त्यौहार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुक्कू टेल्स और पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन जो है, गुरप्रीत चड्ढा जी, इनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। लोहड़ी का त्यौहार खाली पंजाबी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भी मनाते हैं, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरप्रीत चड्ढा और कुक्कू टेल्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले तो सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोहड़ी का फंक्शन हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लोहड़ी एक ऐसा फेस्टिवल है जो पंजाब में, दिल्ली में, नॉर्थ में मनाया जाता है ज़्यादा। बॉम्बे में हम लोग अपने घरों में मनाते हैं, और इस तरह से बड़ा इवेंट करना इज़ डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार बात है और बड़ा अच्छा है। और अब ये शुरुआत हुई है, आगे देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल है। आज बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के, रौनक। तो ऑल द बेस्ट टू गुरप्रीत who has organized and the team, and I'm sure कि ये हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं सबसे पहले तो ग्लोबल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह इनवाइट किया है और ये फंक्शन को देखने का मुझे मौका मिला है। विद फैमिली मेरी वाइफ भी आई है, मेरी बेटी भी आई है, और हम लोग ये जैसे ही जनवरी शुरू हुआ था तो ये सोच रहे थे कि हमको लोहड़ी हम कहाँ मनाएंगे, लेकिन सौभाग्य है हमारा कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतने अच्छे प्रोग्राम में हम लोग आए हैं, और मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, मंजीत जी और जो ग्लोबल फाउंडेशन के सब लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। नहीं, वो पहले वाला, पहले वो थैंक यू, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू। इवेंट लोहड़ी, आपको तो पता है पंजाबियों के लिए लोहड़ी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, तो ये लोहड़ी का फंक्शन है और पंजाबियों के लिए सबसे, जैसे बैसाखी, लोहड़ी, ये त्यौहार जो है बहुत मायने रखते हैं। और तो मेरा आना बनता था, मुझे गुरप्रीत कौर चड्ढा जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी छोटी बहन की तरह है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है इसके लिए। और मैं सबको आपके थ्रू कहना चाहती हूँ कि हैप्पी लोहड़ी, बहुत खुश रहिए, बहुत इंजॉय कीजिए और ज़िंदगी में बहुत मज़े कीजिए। आपके लिए ये साल बहुत शुभ हो। सो हैप्पी लोहड़ी टू यू। आप लोगों की क्या प्लानिंग्स है? मैं तो गोवा जा रही हूँ कल, मेरा शो है कल गोवा में लोहड़ी का, और वहाँ पे एक नए होटल जो है वो खुला है और वहाँ पे सारे पंजाबी आ रहे हैं, गोवा में बहुत सारे पंजाबी आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे लोहड़ी की आपकी प्लानिंग्स क्या है, और बचपन से लेकर कुछ ऐसी कोई मेमोरीज आपकी लोहड़ी से जुड़ी हो तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अजीब लगता है, इट्स लाइक अ रियली प्लेजर कि इस फंक्शन में हम लोग शामिल हो पाए लोहड़ी के। अक्सर तो हमेशा हम फैमिली के साथ ही रहते हैं, और बस आज आना हो गया और सब लोगों से मुलाकात हो गई, तो मैं सबसे पहले तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा लोहड़ी की। आप लोग को भी हैप्पी लोहड़ी, और बस ये नया साल, क्योंकि बीते साल इतने ख़राब गए हैं लोगों के लिए, तो मैं बस यही दुआ करूँगा कि सबका अच्छा हो, सब इन्जॉय करें। क्या कहना चाहेंगे, बस एंजॉय करो, मज़े लूटो, नचो, नया साल मनाओ, जश्न मनाओ, बस। और मैम, दिलबाग सर इतने अच्छे सिंगर हैं, गाने पे सब भांगड़ा करने लगे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके भी पांव थिरक रहे हैं? ये ऐसे लोग पंजाब की शान है, हम पंजाबियों की जान है, और इन लोगों को सलूट। इतना टैलेंट कहाँ से लाते हैं भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। तो ऑल द बेस्ट दिलबाग, may you do really well in life, and aaj aapne rang jama diya, bas film jo thi RRR, use golden gold cinema ki taraf se uske liye aap junior actor aur director producer kis tarah se shubhkamnaen dena chahenge? bas ye to chote muh badi baat hai bhai, suraj ko diya dikhane wali baat hai, but हम जैसे देखते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुझे फैंस की इतनी कदर है, क्योंकि फैंस देखते हैं तो वो है जो मेरी, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ देम,
मेरी एक बार उनसे मतलब बात हुई, मैं मुंह नहीं खोल पाई, मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे. सो आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया सो प्राउड, थैंक यू फॉर पुटिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, एंड थैंक यू फॉर ओपनिंग अ ह्यूज होराइजन फॉर अस, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वी लव यू. बस तुसी जो किया उन्हें चक दिते फटे, तुसी जो किया साड़ा दिल हो गया बाग बाग. बस इसी तरह चढ़दियां कला विच रहो, इसी तरह साड़ा सिर उच्चा करो, इसी तरह साड़ा जेड़ा इंडिया है उन्हें वर्ल्ड मैप ते तुसी लैके आयो. इस वास्ते बहुत 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 ढेर सारी बधाइयां, रब रखा. बहुत बढ़िया लगा बॉम्बे में आके, मुझे लगा ही नहीं मुंबई में कि मैं मुंबई में, मुझे लगा मैं पंजाब में हूँ. और बहुत सारे यहाँ मल्टी कल्चरल लोग थे, बड़ा मज़ा आया देखकर. और मज़े की बात है कि कुकू टेल और पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन गुरप्रीत कौर चड्ढा ने बहुत 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 मेहनत करी थी इस शो के लिए, और उस मेहनत का रंग हमें बाहर शो पर दिखा. आप सब लोग इन्होंने देखा कि लोगों ने खूब इंजॉय किया. ये सोल्ड आउट शो था, और ये मेरा पहला पब्लिक इवेंट है जो टिकटेड शो हुआ है बॉम्बे में स्पेशली. तो ये इस टिकट पे मतलब इस टिकटेड शो पर इतना सारा क्राउड आना और इतना सारा प्यार मिलना, इतना सारा लोगों ने एंजॉय करना, मैं पूरा भीगा पड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पसीना सुखाया. तो बहुत खुशी हो रही है, बड़ा एक्साइटमेंट है, बड़ा आप सभी लोगों का, जितने भी लोग आप कैमरे के पीछे भी खड़े हो, आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है, और यही मुझे चाहिए था. 15 तारीख को लोहड़ी भी आ रही है, 14 तारीख को मकर संक्रांति भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी तरफ से सभी का, सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, जो सारे जो त्यौहार हैं, सारे नए साल का त्यौहार हैं, ये नए साल की वेलकम के लिए होते हैं. और नए साल का हमारा जो देसी नया महीना चढ़ता है वो 14-15 तारीख से शुरू होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये लोहड़ी, ये ओणम, ये पोंगल, ये सब उसी में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति भी. तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान मेहर करे कि हम 2 साल पैंडेमिक से गुजरे हैं और बहुत कुछ रुका हुआ था, बड़े काम रुके हुए थे, पब्लिक इवेंट रुके हुए थे, शादियां रुकी हुई थी, और घरों में काम, लोगों के काम रुके हुए थे, तो सब चल पड़े, सब मंगलमय हो, बहुत मजा आए, सब नाचे गाएँ झूमें, ये देश बहुत तरक्की करे, यही विषय. सर पंजाबी में अपने पंजाबी फैंस को क्या विशेष देना चाहेंगे? मैं सारे नु कहना चाहूँगा हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनावां. रब मेहर करे कि तुहानू ए लोहड़ी बहुत सारा खुशहाली, बहुत सारी हसी, खेडे, नचना टपना, बहुत सारा काम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां, खुशहाली और मेंटल पीस लेके आए, स्पेशली मेंटल पीस लेके आए. मेरे वालों तुहानू लोहड़ी दियां सब नू बहुत बहुत बधाइयां. सर एक सॉन्ग तो बनता है, क्या बोलते पब्लिक? थोड़ी जिन पीती है चोरी नहीं कीती है, ओ यारो कमीनो मैनू ता संभालो, आई डोंट वांट टू फॉलिंग डाउन, निन्नी जय पीती है. थैंक यू. सर हनी पाली का नया गाना आया है, उस बारे में क्या कहेंगे? गतिविधि. किसका? अच्छा गाना है, बहुत गतिविधि, बहुत अच्छा गाना, गुजराती गाना. जी हाँ, गुजराती तन्नू बैट्स मनु टन में जो मेरा गाना है मारी गली, वो उसका गुजराती पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ. हो तू छोकरी होनी सथे नाच रही छे, पछाड़ी मां बार हिलावी रही छे, आशिका ने पासे आवे आ करो, भूलते भी मारी गली, आवे आ करो, भूल के भी साड़ी गली, आया करो, भूलते भी मारी गली. ज्यादा कुछ आई नहीं, गुरु जी हमारे साथ थे, भगवान हमारे साथ है, और हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम दिस इज अ वन नेशन वननेस वन स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग थिंग्स टुगेदर, एक साथ सब मिलजुल करके अपने पर्व बनाए. सो वी वर ब्लेस्ड ऑल थ्रू, वी डिड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स, या एक्सेप्ट डेट का थोड़ा हुआ, हम कल करना चाहते थे, वो हमको ग्राउंड नहीं मिला तो हमने आज किया 12 को, बट इट इज़ वेरी गुड, आई थिंक वाहे गुरु जी. बहुत ही अमेजिंग, इट्स रियली ब्यूटिफुल, एंड ही हैज मेड एवरीवन डांस टू हिज ट्यून, ही इज ब्यूटिफुल सिंगर, लवली सिंगर, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो. या सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी, हमारा 2024 कोविड फ्री जाए और बहुत अच्छी स्पिरिट से जाए, बहुत अच्छे स्पिरिट से जाए हमारा, सब मिलजुल के हम लोग सब देशवासी सारे पर्व एक साथ मनाएं एंड खुशियां मनाएं. दैट इज माय ऑल विद गुड होप्स एंड गुड विशेस फ्रॉम कुकुटेल्स. थैंक यू. हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और पंजाबी में बोलो भंगड़ा भी पाया, मतलब बहुत भांगड़ा डाला डांस, और
सब लोग बहुत पुराने लोग दोस्त भी बहुत सारे मिले, सेलिब्रिटीज़ फ्रेंड। और यहाँ मुंबई में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे पंजाब का, हमारे पंजाबियों का प्रोग्राम यहाँ, मतलब पंजाब हमारी जान हमारी शान। सो मैं पंजाबन जट्टी हूँ, आप सबको पता ही है। सो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर मुंबई में हमारे पंजाब का इतना बड़ा शो, लोहड़ी का शो हो रहा है, तो बहुत खुश हूँ मैं। बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से, नायब सिंह की तरफ से पूरे देशवासियों को हैप्पी लोहड़ी और नए साल के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर। ये एक नए साल की उम्मीदें लेके आती है जो हैप्पी लोहड़ी पंजाबियों का त्यौहार है। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूँगा आप सब भी खुशी खुशी मनाइए, क्योंकि कोरोना के बाद से पहला ऐसा प्रोग्राम है जो बढ़ चढ़ कर इकट्ठा होकर मनाया जा रहा है पूरे जोश के अंदर। और पंजाब का तो बहुत अच्छा त्यौहार है ये, और जैसे बलजीत जी ने बताया कि हमने यहाँ पे पूरा इंजॉय किया, भांगड़ा डाला, डांस किया, और दिलबाग सिंह जी जो सिंगर हैं यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपने गाने गाए, उन्होंने इनवाइट किया और इंजॉय किया। और मेरी तरफ से सब देशवासियों को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी न्यू ईयर। मैं भी बोलना चाहती हूँ मेरी तरफ से, यानी कि बलजीत वीर की तरफ से, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो और आप सब बहुत खुश रहें। नया साल चढ़ा है तो हमारे पंजाबियों का ये त्यौहार होता है, लेकिन यहाँ पर सब बॉम्बे में है तो सब लोग आए हैं और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सो हमारी तरफ से, यानी कि बलजीत वीर की तरफ से और नायब सिंह की तरफ से, देशवासियों को, आप सबको बहुत बहुत प्यार और हैप्पी लोहड़ी। सेफ रहें।